वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग करी। तो इसके लिए हम पहले अंडा बॉईल कर लेते हैं। फ्रेश अंडा ही लीजिएगा। अच्छी तरह से अंडे को बॉईल कीजिए। अंडे बॉईल हो जाए तो उसके बाद उसका छिलका निकाल के रख दीजिए। यहाँ पर बिठा देते हैं हम कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। अब सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या तो वाइट ऑयल, जो आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने लंबा लंबा आलू काट लिया है। उसी आलू को अभी इसी तेल में फ्राई कर लेंगे। आलू इसी तरह से फ्राई कीजिए कि 50% यहीं पर कुक हो जाए। अभी डालते हैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक और इसके साथ ही डालते हैं हल्दी। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से आलू को हम फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुका है, अभी अंडों को फ्राई कर लेंगे। और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, सारे अंडे साइड में थोड़ा थोड़ा सा चीरा लगा के डाल दीजिएगा। साथ ही साथ हम दे देते हैं नमक और हल्दी और अंडे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हाँ, कोई कोई हल्का फ्राई खाना चाहते हैं तो हल्का फ्राई कीजिएगा। जिन लोगों को अच्छा वाला एकदम पूरा फ्राई करके खाना है तो पूरा फ्राई कर लीजिएगा। मैं इसको पूरा फ्राई कर रही हूँ। तो अंडा फ्राई मेरा हो चुका है। तो उसी तेल में, अगर तेल थोड़ा कम है तो तेल ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा थोड़ा। और उसके साथ ही दे देते हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ते और 2 साबुत लाल मिर्च। और उसी के साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज। प्याज को मैंने पतला पतला करके काट के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होने के इंतज़ार करेंगे। देखिए, प्याज यहाँ पर ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है इसे। प्याज हो चुका है, अभी उसी में डाल देते हैं फ्राई किए हुए आलू। तो आलू हम लोग इसमें डाल दिए। अब ये आलू और प्याज दोनों एक ही साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मतलब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा अदरक, जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। तो भाई अदरक यहाँ पर ज़्यादा नहीं देना है, 2 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी अदरक को और प्याज और आलू सारे मसाले एक साथ अच्छी तरह से कुछ देर के लिए चला लेते हैं। और इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। और पानी देके इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, क्योंकि पानी अगर नहीं देंगे तो ये मसाले जो हैं उसका फ्लेवर, प्याज का फ्लेवर आलू में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आपको इसको चला लेना है। जो पानी मैंने डाला हुआ है वो सूख चुका है, उसके लिए मैंने फिर से पानी डाल रही हूँ यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते रहना है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च। मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। हाँ, यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का पाउडर भी हम देंगे, लेकिन हरी मिर्च यहाँ पर देने से एग करी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब इसमें ऐड करते हैं धनिया पत्ता, लेकिन धनिया पत्ता का डंठल का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो देंगे। और उसके साथ ही 2 टमाटर काट के दे देते हैं और उसको कवर कर देते हैं। कवर सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, ताकि जो टमाटर हमने दिए हैं वो पक जाए। देखिए, ये हो चुका है, पानी भी सूख चुका है, टमाटर भी गल चुका है। तो इस सारे चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ा चला लेते हैं। अभी डालते हैं इसमें सूखी लाल मिर्च और उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने हरी मिर्च भी दिया हुआ है, तो सूखी मिर्च ठीक से दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा तीखा होने वाला है। अब देते हैं उसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि चलाते चलाते पानी सूख रहा है। अभी देखिए तेल छोड़ने लगा है, मतलब ये हो चुका है। अभी इसमें डाल देते हैं पानी। पानी आपके हिसाब से डालिए, जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए। और यहाँ पर फाइनली स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद नमक ऐड करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अब उसके साथ जैसे बॉईल आ जाता है तो सारे अंडे इसमें दे देते हैं। अंडे डालने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार। जैसे उबाल आ जाता है, हम लोग का एग करी बन चुका। तो उसके ऊपर जो धनिया पत्ता हम लोग पत्ती वाला जो रख चुके हैं, वो एज अ गार्निश ऊपर से डाल दीजिए स्प्रिंकल करके। बन गया एग करी। तो ये एग करी आप खा सकते हैं गर्म गर्म स्टीम राइस से, पूरी, पराठा, जो आपको मन चाहे। ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभी एग करी को निकाल लेते हैं एक बोल में। सावधानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा सब्जी है, गिरने का चांसेस है। तो मैं इसको ध्यान से निकाल ले रही हूँ बोल में। आज के लिए इतना ही। तो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा। और नए दोस्तों जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।